सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पानीपत शहरी विधानसभा पहुंची, जहां लोगों द्वारा इसका जोरदार स्वागत किया गया। पानीपत के वार्ड 11 स्थित एक स्कूल में लोगों की समस्याएं सुनी और साथ साथ उनका समाधान भी करवाया गया। मौके पर पानीपत विधायक प्रमोद विज, वार्ड पार्षद कोमल सैनीवा, सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे, जहां उन्होंने मौके पर ही सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करवाया व लोगों को जो समस्याएं आ रही थी उनके कार्य करवाए। इस मौके पर विधायक व वार्ड पार्षद ने बताया कि यह यात्रा पूरे भारत में निकाली जा रही है। यात्रा का मकसद है कि प्रदेश और केंद्र की सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं की जानकारी और लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार चाहती है कि सभी योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। क्या करवाना है यहाँ पे? हर तरीके लाभ मिल रहा है, जैसे कि किसी के पास गैस कनेक्शन नहीं है वो गैस कनेक्शन करवा सकता है, आयुष्मान कार्ड, विकसित भारत कल्पना, मतलब हर तरह के यहाँ पे पोषण के हर तरह के यहाँ पे मिल रहे हैं। फायदा हो रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, छोटी से छोटी योजना का एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की योजना से वंचित ना रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत योजना चलाई हुई है, जिसमें हर प्रकार की योजना जो है लोगों को समझाई जा रही है, जिनको उनके बारे में नहीं पता है, जिनको लाभ नहीं मिला है, और जिन लोगों को लाभ मिला है उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन लोगों को भी समझाया जा रहा है कि अपने आसपास के लोगों को भी वो जो प्रधानमंत्री योजना लाभ योजनाएं चली हुई हैं उनका लाभ दूसरों तक पहुंचाएं। और आज ये उसी यात्रा का एक पहलू है, उसी यात्रा का प्रारंभ है कि आज हमारे बोर्ड में यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है, पूरा प्रोग्राम है, उसमें सभी तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें फैमिली आईडी है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मेडिकल कैंप लगाया गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके आज यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। लोगों को समस्याएं हैं, लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं और साथ के साथ उन लोगों की समस्याओं का हल भी हो रहा है। नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज यात्रा जो हमारे वार्ड नंबर 11 में, और कोमल सैनी जी हमारी पार्षद है। कोमल जी कहाँ है भाई? कोमल जी पार्षद है यहाँ, और हम रामनगर स्कूल में स्टेप खड़े हैं। हजारों की संख्या में देखिए यहाँ लोग आए, बेनिफिशरी भी आए, कुछ लोगों की समस्याएं भी आए, लेकिन सरकार ने जो इतना बड़ा समाधान निकालने के लिए, सरकार इनके घर पे आई है। पहले लोग दफ्तरों के चक्कर काटते थे और कोई अंदर जा पाता था नहीं जा पाता, लोग निराश हो जाते थे। माने प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत आज सरकार उनके द्वार पे आई हुई है। हम यहाँ सभी से मिल रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट जाए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। समस्या है तो उनको कहीं ना कहीं है और उसका समाधान भी मिलेगा। कई कागजों की कमी होगी तो उसका भी समाधान निकाला जाएगा। लोगों को दो तीन दिक्कतें ज़्यादा आ रही है, कुछ आधार कार्ड की करेक्शन है, किसी का परिवार विचार पत्र में प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने ये देखा है कि पिछले 6 महीने में परिवार विचार पत्र की जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो 90% सॉल्व हो चुकी है। आज लोग हमारे पास आते हैं, समाधान हम करके देते हैं, सरकार समाधान करके देती है, और इसका उद्देश्य आज यात्रा का यही है कि लोगों की समाधान निकाल के दें, उनकी समस्या को हल किया जाए। हमारी यात्रा जो शहरी विधानसभा के अंदर सभी वार्डों में, हमारे टोटल शहरी विधानसभा के 19 वार्ड हैं, 19 के 19 वार्ड में ये यात्रा जाएगी। इसके समयबद्ध तरीके से काम हो रहा है। कल भी हमारी जो यात्रा है वार्ड नंबर 3 में कल सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगी, और शाम को वार्ड नंबर 10 में शाम को 2 बजे से 5 बजे तक भाटिया जी वहाँ है। वार्ड नंबर 3 में अंजलि भाटिया जी है, अंजलि शर्मा जी है, जिनकी ये जिम्मेवारी लगी हुई है, और संगठन पूरा उनके साथ है। हमारे कार्यकर्ता अनेक संख्या में हमारे साथ, हमारे मंडलाध्यक्ष जी थे यहाँ पे, प्रीतम गुज्जर जी हमारे साथ, सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं ताकि लोगों की समस्या को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, ताकि अधिकारियों की और उसके बीच में लोगों में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम सेवा कर सकें। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।